ई हमार आप्त वचन बाड़े, ई हमार वेद बाड़े, ई हमार सबसे बड़ा वरदान बाड़े, मानवता के ई हमार उपहार बा। ई हमार आप्त वचन तोहके और तोहार उपरांत आवे वाला हर पीढ़ी के जीवन के नियम के ज्ञान दी ही। ई वेद मानव के धरती और आकाश, मानव और देवता तथा आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध के ज्ञान दी है। इनका में उस सब मंत्र निहित बा जौन जन्म से लेके मृत्यु तक मानव के हर समस्या के समाधान बनी। हे मनु, हमार आप्त वचन मानव की प्रकृति से शक्ति प्राप्त करे के प्रेरणा दी है, जीवन से प्रेम करे के शिक्षा दी है, इतोहार मार्ग के दीपक बाड़े। और हे सप्तऋषिगण, रउआ ये मंत्र के सर्वप्रथम दृष्टा बानी। धन्य होके प्रभु, रउआ वास्तव में कृपा निधान बानी। आपन आप्त वचन के दृष्टा बना के रउआ हमनी के ई भी ज्ञान देहनी कि हमनी के अस्तित्व के उद्देश्य का बा, हमनी के लक्ष्य का बा। हे मनुआ शत्रुपा, तुहके इनकर रक्षा करे के होखी, ये धरोहर के मानव जाति तक पहुंचावे के होखी। हे नीलकांत, हम वचन देत बानी कि मानवता के ए धरोहर के हम अपन प्राण से भी अधिक रक्षा करब। हे लक्ष्मीपति, हमरा और आप्त वचन के अपन तन मन में ऐसे सुरक्षित कर ले कि इनका शिक्षा हमार दूध बन के हमार संतान के रक्त में घुल जाए। तब फिर संभाला अपने धरोहर के, हमार क्षीर सागर लोटे के समय आ गई बा। अब हम तुमसे विदा ले पाए। रउआ के मत्स्य रूप में अवतार ले देख के हमके पहला बार ही अनुभव भइल कि ईश्वर होखला कितना कठिन कार्य बा। ईश्वरत्व की कठिनाई के अनुभव खाली ईश्वर ही कर सकेला। रउआ आपन इतना सुंदर रूप छोड़ के मत्स्य रूप धारण कइनी, कितना कठोर रहल ई निर्णय। प्रिय भक्त खातिर त हम कुछ भी कर सकेनी, मत्स्य रूप तका यदि मानव कल्याण खातिर हमके ऐसे भी कुरूप रूप धारण करे के पड़े तभी हम संकोच न करब। और प्रिय लागत बा वो रूप के धारण करे के समय अति शीघ्र आवे वाला बा।
हम माँ बानी, धरती माँ, श्री विष्णु भगवान आपन वचन निभा दिले। उ हमार आंगन में आके हमके पावन कर दिले। परंतु हम अभी तक घटना सबके झंझार से संभल नहीं खी पाईल। हम सोचत रहनी कि जब ज्ञानी के विरोध होखेला तब वो ए विरोध के उत्तर में आपन भीतर के कमी के ढूंढे और रोके दूर करे के प्रयास करेले। किंतु जब अज्ञानी कौनो विरोध के सामना करेला तब वो अहंकार के कारण अपना अंदर के सब प्रवेश द्वार बंद कर लेला। क्रोध के आपन अस्त्र और अहिंसा के आपन ढाल बना लेला। दानव संस्कृति के पताका फैलावे वाला है ग्रीव के इहे दबाई रहल कि ज्ञान के प्रकाश फैल गए तो फिर ओकर जैसन अज्ञानी के नेतृत्व के स्वीकार करी। हम ओकर मृत शरीर के ध्यान से देखने तो हमके लागल कि ई कौनो दानव के ना, ई त एगो प्रकृति के मृत शरीर बा जे हर युग में ज्ञान के मार्ग रोके के प्रयत्न करी और हर युग में ओकर इहे परिणाम होगी। परंतु हैग्रीव जे भी रहल जैसन भी रहल एगो माता के पुत्र रहल और माता त हम भी बानी। ऐसे हम ओकर माता दनु के दुख से दूर कैसे रह सकेनी। यदि रउआ हमके कोनो समाचार सुनावे आइल बानी देवी तो ओकर कोनो आवश्यकता नहीं के। समाचार हमरा तक पहले ही पहुंच चुकल बा। हम कुछ और कहे आइल बानी स्वामी। कहीं पुत्र हैग्रीव के शव चिता पर रखल बा, केवल राउर प्रतीक्षा बा, रउआ ना चला ना देवी। का मरे वाला राउर पुत्र ना रहल? पुत्र अवश्य रहल, परंतु हमरा खातिर वही दिन मर गेल रहल जौना दिन वो हमार बतावल मार्ग छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर पहला पग रखले रहल। चिता पर जौन शव रखल बा उ त एगो शरीर बा, एगो ऐसन अपराधी के जेकरा दंड मिले के ही चाही। उकरा ता एहू से कड़ा दंड मिले के चाहत रहल। परंतु स्वामी। ओह पूरा घटना में परंतु के कौनो स्थान नहीं खे देवी। वो महान वेद के चोरी कैले रहल, वो उजाला के आपन अज्ञान और अहंकार के अंधेरा से ढांपल चाहले रहल और उहे अंधकार ओके स्वयं निगल गेल। ना देवी, हम वहां ना जाई। Thank you.
दाना लोग, दाना राज हे गुरु के वध कोनो असाधारण घटना नहीं खे। दाना राज के वध कई के हमनी के स्वाभिमान के ललकारल गईल बा, हमनी के समाज के चुनौती दिहल गईल बा। हम काल केतु समस्त दानो लोक के ओर से ई चुनौती स्वीकार करतानी और रउआ सबके घोषणा करतानी कि हम दानो राज हेग्रीव के वध के प्रतिशोध लेब। काल केतु, हम तो से भली भांति परिचित बानी काल केतु, बड़ा चतुर समझेला तू अपना आप के। हर्षल चिल्ला मत काल केतु, हम जानत बानी कि प्रतिशोध के आड़ में तुहार लक्ष्य का बा। तू दानव राज हेग्री के सिर से गिरल मुकुट आपन सिर पर रखे के सपना देख रहल बाड़ा। मैं तो बतावा, दानव राज हेग्रीव के प्रतिशोध ले वाला तू के होत बाड़ा? हम दानव लोक के भावी अधिपति बानी, दानव राज के उत्तराधिकारी बानी। देख लेला ना तू लोग, अरे केहू एकरा से पूछे कि के एकरा हमनी के अधिपति चुन ले बा? बतावा एक एक दानव के लोक बा, यहाँ अधिकार खातिर चुनाव ना होखेला। यहाँ सर्वसम्मति जैसन व्यर्थ शब्दन के कोनो अर्थ नहीं खे। यहाँ अधिकार होकर होखेला जेकर भुजा में बल होखेला। यहाँ जे बढ़ के स्वयं उठा लेवेला मुकुट ओही के होखेला। संपूर्ण दानव समाज जानेला के हम सेनापति बानी, हर युद्ध के संचालन हम ही कैले बानी। ऐसे दानव सिंहासन पर सर्वप्रथम हमरे अधिकार बा। तो फिर छीन लाई अधिकार हमार हाथ से यदि शक्ति होके तोहरा में। हम ए अधिकार के सरलता से तोहरा हाथ में ना सौंप सके नी। काल के तू ठीक कह रहल बाने, उनका अधिकार हमनी खातिर मान्य बा। हमनी नहीं खी मानत, हमनी हर्षल के अपन अधिपति मान चुकल बानी। हो जाए निर्णय, हो जाए, हो जाए। ठहरा, अधिकार के झगड़ा हमार और हर्षल के मध्य बा, और एक निर्णय भी हमार और हर्षल के मध्य होगी। तू लोग के हस्तक्षेप करे के कोनो आवश्यकता नहीं खे। हर्षल, बड़ा गर्व बाना तोरा के अपन युद्ध कौशल पर, आज गर्व भी चूर चूर हो जाई और तोहार भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाई। ऐसा अवसर पर हम ना बोले नहीं काल के तू, हमार खटक बोलेला। बाकी हम तो जाए अपन पुत्र के अंतिम दर्शन खातिर। रवा पिता बानी, रवा भावना से ऊपर उठ के ओकर बुराई के देख सके नी। बाकी हम तो माँ बानी, एक कैसे संभव बा कि जे पुत्र के हम अपन गोद में थपकी दे के सुलवले रहनी, आज जब वो चीर निद्रा में सुतल बा, हम ओके देखे न जाए। यह तो समस्या बा, कुछ माता अपन भावना से ऊपर उठ ही ना पावेली, फिर वह परिणाम जौन आज रोवा सामने बा। किंतु हम रउआ के रोकब ना, हमरा और ममता के भावना के अच्छा तरह से समझेली, ओकर आदर करेनी। किंतु एगो चेतावनी दिहल भी अपन कर्तव्य समझत बानी। कैसन चेतावनी स्वामी? राउर पुत्र हैग्रीव जवन दानव संस्कृति के बीच बोले रहल, उ संस्कृति
आज एगो विशाल और भयंकर रूप से विराट वृक्ष बन चुकल बा। रउआ वहां जाके ओ दानव संस्कृति के नग्न नृत्य देखब, डरा और दुख और भी बढ़ जाई। कुछ भी होके स्वामी, हमके जाए के तो होगी ना, ते को माँ के हृदय हमके कब्बो क्षमा ना करी। यदि और केहू के मन में हमार विरोध के इच्छा अंगड़ाई ले रहा होके तो वो भी आगे आवे और अपन इच्छा पूरा कर ले। सत्य कहले रहले हमारे स्वामी कि यह आके हमार दुख बढ़ जाए। पुत्र, तू यही संस्कृति के बचावे के बात करत रहला, का यही वो संस्कृति बा जेकर खातिर तू देव संस्कृति और मानव संस्कृति के विरोध कैले रहला। देख ए संस्कृति के जे तो हर शव पे अश्रु बहावे के स्थान पर एक दूसरे के रक्त बहा रहल बाड़े, तो हर मृत्यु के शोक तोहर उत्तराधिकारी खातिर युद्ध में लहू लुहान हो रहल बा। धिक्कार बा
तो के अपन अधिपति के मृत्यु के दुख नहीं खे, ई चिंता बा कि ओ के सिंहासन पर के बैठी। अब भी समय बा, छोड़ द हिंसा और युद्ध के मार्ग, छोड़ द अपन झूठा अभिमान के, मत जाओ राह पर जौन राह पर रखल हर पग तो के विनाश के एक पग और निकट कर दे। आज एगो माता रो रहल बिया, यदि तू लोग अपन हठ ना छोड़ला तकल सहस्त्र माता हमारी भांति रोवत रही है। क्षमा करी राजमाता, किंतु रउआ जौन कह रहल बानी वो एगो साधारण माता खातिर तो उचित बा, बाकी वो राजमाता खातिर ना, जेकर स्वाभिमानी पुत्र विष्णु के हाथ मारल गई होखे। तो तोहार विचार में हमके का करे के चाही? ए समय तो रउआ के हमनी के शपथ दिलावे के चाही कि हमनी जब तक दानवराज हैगिरु के वध के प्रतिशोध ना ली, चैन से ना बैठी। प्रतिशोध? कैसन प्रतिशोध? का प्रतिशोध करके तू हमार पुत्र के ठंडा शरीर में जीवन की गर्मी लौटा सकेला? हम जानत बानी की प्रतिशोध से तोहार तात्पर्य का बा। प्रतिशोध के नाम पर तू ई लोगन के मन में घृणा के विष खोल रहल बाड़ो। कहे कि तोहार जैसन लोग बस घृणा फैला के ही सत्ता प्राप्त कर सकेले। नाराज माता, घृणा हम नहीं फैला रहल, घृणा फैला रहल बाने देवलोक के वासी, वो देवता जिनसे हमनी के शक्ति देखल ना जाला, हमनी के उन्नति जिनकर आँख में कांटा के समान खटकेला, वे सदा हमनी के विरुद्ध पक्षपात करेलन, हमनी के नीचा दिखावे के अवसर ढूंढेलन। काल के तू सत्य कह रहल बाड़े, देवता पक्षपाती बाड़े, हमनी के देवता सबके पक्षपात के दंड दिहल जाए। हमनी के काल केतु के संगे बानी देव लोक पर आक्रमण होखी। हे विष्णु, सावधान कर दा देवलोक के वासियन के, और सावधान हो जा तू भी, हम देवलोक पर आक्रमण कर रहल बानी। हे सच्चिदानंद, दानव देवलोक पर आक्रमण की पूरा तैयारी कर ले बाड़े। देवलोक पर युद्ध के बादल छा रहल बा कमल नयन। दानव से और आशा भी का कही जा सकेला महादेवी? बिच्छू के केहू के डंक मारब खाली ओकर प्रवृत्ति ही नहीं खे, ओकर विवशता भी बा। काहे कि डंक मार के ही तो अपन अस्तित्व के प्रमाण देला। यदि दानव में युद्ध हिंसा और रक्त के प्यासी ना होखे तो उनके दानव काहे कहल जाए? उधर्म के रक्षा खातिर युद्ध ना करेले देवी,
उ त युद्ध के आपन धर्म माने ले, परंतु मूर्ख ही ना जाने ले कि जे द्वेष व घृणा के आपन संस्कृति माने ले, वही द्वेष और घृणा के अग्नि में भस्म भी हो जाले। काहे कि द्वेष और घृणा दूसर के कम क्षति पहुंचावे ले, स्वयं के अधिक। परंतु देवलोक के वासियन की आपन रक्षा खातिर कुछ तक करे ही के होखी। अवश्य करे के होखी महादेवी, अवश्य करे के होखी। परंतु उ युद्ध ये दानव सबके भांति उन्मादी ना होखे के चाहिए। यदि देवलोक पर आक्रमण होखत बात देवता के ओकर इतना कठोर उत्तर देवे के होखी कि दानव के केवल शस्त्र ही ना, उनकर साहस भी सदा खातिर टूट जाए। देख नहीं की रहल रहुआ देवराज इंद्र कितना चिंता में डूबल बाड़े। देवलोक के स्वामी कौन चिंता में खोल बाड़े कि उनके हमार आवे के ज्ञान तक नहीं खे। रवा तो वास्तव में बहुत चिंतित दिखाई दे रहल बानी नाथ। मन्नी की दानव अपन शक्ति बढ़ा रहल बाड़े, बाकी अभी उनकर शक्ति इतना अधिक नहीं खे बढ़ल कि रवा के चिंता में डाल दे। वो पहले भी रवा से टकरा चुकल बाड़े और ओकर परिणाम भी देख चुकल बाड़े। का रवा उनकर संभावित आक्रमण से चिंतित बानी? ना देवी, चिंता हमके ओकर नहीं खे जोन दिखाई दे रहल बा और होखे वाला बा। चिंता हमके ओकर बा जोन दिखाई नहीं खे दे रहल, बाकी होखे वाला अवश्य बा। बस ये ज्ञात नहीं खे कि का होखे वाला बा और कब होखे वाला बा। स्वामी, हम समझनी ना रवा कौन घटना की बात कर रहल बाड़े। दानव युद्ध के तैयारी कर रहल बाने, हमके दिखाई दे रहल बा। उनकर आक्रमण होखे वाला बा हम जानत बानी। बाकी एगो और संकट बा देवी, जोन दिखाई निखे दे रहल और न जाने कब कॉमन रूप धारण कर लेवे। राउर संकेत कौन संकट के ओर बानाथ? एगो ऐसन संकट जेके कुछ परिस्थिति जन्म देले रहे, कुछ ऐसन परिस्थिति जोन हमनी के जानबूझ के ना उत्पन्न कइले रहनी। हम अब भी ना समझनी देव। इस संकट के जन्म वो समय भइल रहल देवी, जब हमनी देवता सर्वसम्मति से बृहस्पति देव के अपन गुरु चुनले रहनी। उस समय हमनी के सत्य के हल्का सा भी ज्ञान ना रहल कि गुरु शुक्राचार्य जैसन महान ज्ञानी और महातपस्वी भी अपना मन में देवता के गुरु चुनल जाए के इच्छा पाल रहल बने। बृहस्पति के चुने के धुन में और उनकर नाम पर सर्वसम्मति हो जाए के प्रसन्नता में हमनी के शुक्राचार्य के इच्छा के चाप ना सुन सकनी। परिणाम ई भइल क्यों हमनी पर क्रोधित हो गई ले और वो दानव के गुरु बन जाए खातिर स्वीकार कर ले ले। हाँ देवी, निराशा जब क्रोध में बदलेला तो उकर पहला आक्रमण विवेक पर होखेला। गुरु शुक्राचार्य के निर्णय भी निराशा और क्रोध के परिणाम रहल। ओमे विवेक से अधिक अपमान और मानहानि के प्रतिक्रिया अपन रंग दिखावत रहल। बुद्धिमान व्यक्ति जब बुरा होखेला तो देश काल समाज सब कर खातिर घातक सिद्ध होखेला। परंतु जौन होखे के रहल वो हो चुकल। यदि होखे वाला हो चुकल रहत तो हमके चिंता काहे होखत देवी? चिंता तो यह बा कि का होखी और कब होखी। दानव अपन शारीरिक और भौतिक शक्ति के बल पर लड़े लें, उनके परास्त कल कठिन नहीं खे। बाकी शुक्राचार्य के शस्त्र उनकर मस्तिष्क बा, वो विद्वान बाने और विद्वान के अहंकार चोट खाला तो घायल नाग के भांति घातक होखेला, जिना जाने कब किने से आक्रमण कर देवे। शुक्राचार्य के अहंकार हमरा खातिर ऐसन प्रश्न चिन्ह बा जोन चिंता के जन्म देला, उत्तर ना बतावेला।
गुरुदेव, 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 गुरुदेव। के कैलस तुहारी दशा, काल के तो गुरुदेव। दानव राज हैग्रीव के वध के समाचार सुनते वो राज सिंहासन हथियावे खातिर षड्यंत्र कैले रहल, और अपन कुछ साथी भी बना लेले रहल। हम उकरा के ललकरनी जेकर ई परिणाम भइल बा गुरुदेव। काल केतु सदा ही महत्वाकांक्षी और सत्ता के लोभी रहल बा, तोहके ओ से ना भिड़े के चाहत रहल, तोहरा के हमरे लगे आवे के चाहत रहल। एकर अवसर ही ना मिलल गुरुदेव। ई सब कुछ एगो सोचल समझल योजना के तहत अवश्य भइल रहल, पर भइल रहल इतना अचानक केहू के लगे कुछ भी सोचे समझे खातिर समय ही ना रहल। और अब तो जौन होखे वाला बा वो एकरो से बुरा होखे गुरुदेव। काल केतु देव लोक के विरुद्ध युद्ध के घोषणा कर देले बा। का? हाँ गुरुदेव, आक्रमण कौनो भी समय हो सकेला, युद्ध कौनो भी क्षण छिड़ सकेला। ना, ये बहुत बड़ भूल होगी। देवता से युद्ध आवश्यक बा, उन पे आक्रमण होखे के चाही। हमके स्वयं देवता सबसे आपन अपमान के प्रतिशोध लेवे के बा, बाकी ओकरा खातिर समय और स्थान हम चुनब। परंतु काल केतु ते युद्ध के निर्णय ले चुकल बा गुरुदेव। ओके रोके के होखी, ओके बतावे के होखी कि अंधेरा में उठावल गईल पग के बारे में केहू न जानेला कि उस समतल भूमि पर पड़ी या कोनो गड्ढा में। काल केतु आपन भावुकता में कोनो भयंकर भूल न कर बैठे। हम स्वयं तोहरा संगे चलत बानी। देवराज, 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 का बात बा चित्ररथ? दानव के सेना देवलोक पर आक्रमण करे खातिर चल पड़ल बा। दानव काल केतु अपन सेना के संचालन कर रहल बा, उ देवलोक के तहस नहस करे के शपथ ले ले बा। हमनी के सेना राउर आदेश के प्रतीक्षा कर रहल बा। दानव लोक के सेना देवलोक के सीमा से कुछ ही दूरी पर बा। ना, हम दानव सेना के अपन सीमा में पग भी ना धरे दे। युद्ध हुनकर क्षेत्र में होखी। दानव सब के महत्वाकांक्षा बढ़त ही जा रहल बा। हैग्रीव के वध से भी वो कौनो सीख ना लिहले। हम स्वयं अपन सेना के संचालन करब। आवो हमरा संगे। हम मां बानी, धरती मां, दानव राज हैग्रीव के वध भी दानव के सद्बुद्धि ना दे सकेला। होखे के ई चाहत रहल कि दानव समझ जाएते कि जौन अज्ञान के कारण हैग्रीव के आपन प्राण से हाथ धोए के पड़ल, ओ अज्ञान उनके भी ओही अंत तक पहुंचा सकेला। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, ओ देवता के विरुद्ध युद्ध के घोषणा कर दी ले। देवता सदैव हमनी के तिरस्कार कैले बाड़ा। तोहार मन में हमनी के प्रति घृणा और द्वेष के भंडार भरल बा। तू समझेला कि उन्नति और समृद्धि पर केवल तोहार अधिकार बा, कहे कि तू हमनी से श्रेष्ठ बाड़ा। परंतु आज तोरा के ज्ञात हो जाई कि हम दानों कबो तोहार प्रभुत्व स्वीकार ना करब। आज हमनी के तोहार घमंड चूर चूर कर देब। हे दानो लोग, आगे बढ़ा और देव सेना की उनकर सीमा के अंदर खदेड़ दा। सुना काल केतु, तू सदैव हिंसा युद्ध और व्यभिचार में रुचि दिखावले बड़ा।
तू सदैव असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलत रहल बाड़ा और हमनी के सदैव सत्य और धर्म के पालन करत रहल बानी। इतिहास साक्षी बा कि सत्य असत्य पर और धर्म अधर्म पर विजय पावत रहल बा और आज भी यह इतिहास दोहरावल जाई। वीर लोग इ दानव सब के ऐसन पराजय दो कि इ युद्ध के नाम तक भूल जाए। अभी दानव हमार वज्र के प्रभाव नहीं के देखले। आक्रमण करो, आक्रमण करो। परिणाम ई भई कि घमासान जंग भई। दोनों सेना एक दूसरा पर टूट पड़ल। दानव आपन सारा शक्ति युद्ध भूमि में झोंक दिले। रणभूमि रक्त सागर में बदल गई। देवता भी पूरा शक्ति से दानव के आक्रमण के उत्तर दिले। दानव के भारी क्षति भईल। उनकर सेनानी भारी संख्या में मारल गईले। सारा रणभूमि उनकर मृत शरीर से पट गई और अंत में दानव सेना के पांव उखड़ गई। स्वयं काल केतु घायल होके रणभूमि से ले जाई गई। दानव के पराजय के एगो कारण ई भी रहल कि वो अपन गुरु शुक्राचार्य के ई बात भूल गई रहले कि उनकर अनुमति के बिना युद्ध ना कई जाए। परंतु हमार चिंता ई रहल कि दानव के ए पराजय के देवता पर का प्रतिक्रिया हो खतबा। देवराज इंद्र के जय। 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 विजयश्री की बधाई हो देवराज। विजयश्री तो हमार चरण में हुई समय झुक गई रहल जब हम युद्ध भूमि में पांव रख ले रहनी। ओके तो हम अपना संगे लेके गई रहनी। युद्ध तो केवल औपचारिकता निभावे खातिर भइल रहल। युद्ध तो युद्ध हो खेलानाथ। जब तक रउआ के विजय ना प्राप्त भइल रहल हमार मन कांपत रहल। रउआ नारी बानी ना ऐसे भयभीत होकत रहनी। हम दानव सब के ऐसन करारा पराजय देवे के निश्चय कर ले रहनी कि वो फिर कबो युद्ध करे के साहस ना करे। हमार निश्चय सफल भइल। दानव भूल गइल रहले कि ऊ कोनो साधारण देवता सेना देवराजेंद्र से टकराए जा रहल बाणे। अब देवराजेंद्र के नाम सुनते ही उनकर शरीर में कपकपी दौड़ जाइल करी। देवराजेंद्र के ई विजय उनकर आवे वाला 7 पीढ़ी भूल ना पाई। हम महान बानी देवी, हम महान बानी। जैसे चले महान जन वैसे चले समाज, वैसी बन जाए प्रजा जैसा होगा राज। टूटी अगर परंपरा टूटेंगे आदर्श, दुख ही दुख छा जाएंगे मिट जाएंगे हर्ष, मिट जाएंगे हर्ष। और योग ध्यान विष्णु पुराण